आप भी, आप किस तरह से बड़े पाव बनाते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। सबका अलग अलग अंदाज होता है, ऐसा नहीं है कि मुंबई के फेमस वड़ा पाव उसी रेसिपी से बनाते हैं। टेस्ट सबका अलग अलग होता है। जब हम घर में बना रहे हैं तो इनका मसाला भी कम ज़्यादा, लाइट मिर्ची ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल ही घर वाले वड़े पाव हैं, मम्मा की रसोई वाले वड़े पाव। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे बड़े पाव, हम हमारी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे हरी। तो मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया। हरा धनिया ज़्यादा लिया है, पुदीना कम लिया है। ये क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। दो हरी मिर्ची लिए, स्पाइसी खाना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। अदरक का टुकड़ा, मैं इसमें डालूँगी लहसुन, तो 3 पीस मैं लहसुन की कली डाल रही हूँ। एक नींबू का रस डाल रहे हैं हम। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, तो काला नमक 1/4 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच, सादा नमक आधी चम्मच, इसमें जीरा डाल देंगे और बस थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे हम पीस लेंगे। तो ये हमारी हरी चटनी बन गई है। अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। तो उसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं, 8 आलू लिए हैं। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो। मैं बस 2 टेबल स्पून करीबन तेल डालूंगी। इसे गरम होने देंगे और आलू को हम मैश कर लेंगे। तेल गरम हो गया, अब मैं सबसे पहले इसमें सौंफ डाल दूंगी, थोड़ा सा हींग डाल देंगे इसमें, और मैंने एक हरी मिर्ची, अदरक और करी पत्ते लिए, इन्हें आराम से डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस समय लहसुन भी डाल सकते हो। कईयों को लहसुन का फ्लेवर अब कोफ्ते में पसंद नहीं होता, बड़े में कईयों को होता है, तो वो लहसुन चॉइस रहती है ये अपनी। अब हम डाल देंगे इसमें मसाले, आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच सादा नमक और 1/4 चम्मच ही हम काला नमक डालेंगे। नमक मिर्ची मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे इसमें, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जो हमने आलू उबाले थे इन्हें भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके हम गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारा आलू का मसाला भी बनके तैयार हो गया। अब चाहो तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अभी मैं एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे। आलू का मसाला बन गया, अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बेसन के बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे स्वाद अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इससे कलर बढ़िया आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमें। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें अजवाइन, मिक्स कर लेंगे और पानी डालते हुए बड़ों का तैयार कर लेंगे बैटर। तो ये हमारा बेसन का बैटर भी बनके रेडी हो गया। अब बनाएंगे हम इसकी सूखी चटनी। तो इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया। पहले हम थोड़ा सा बेसन की पकौड़ियाँ बना लेते हैं। जितनी अकॉर्डिंग चटनी बनाना, सूखा मसाला बनाना चाहते हो उतनी अकॉर्डिंग आप इसे, इन पकौड़ियों को बना लें। क्योंकि ये भुजिया डालने के बाद ये चटनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। अगर ज़्यादा दिन तक हमें चलानी है तो फिर हमें इस बेसन के भुजिया को स्किप करना पड़ेगा।
लेकिन हम अगर तुरंत बना के खाते हैं तो कोई एक से दो दिन में तो ख़राब होता नहीं है मसाला। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच तेल इसमें पैन में डाल देंगे। ये मैंने इन्हें क्रिस्पी फ्राई कर लिए, इस तरह से इन्हें अच्छा रेड सेक ले। तेल को गर्म होने देंगे। तो आप किस तरह से, आप किस तरह से बड़े पाव बनाते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। सबका अलग अलग अंदाज होता है, ऐसा नहीं है कि हम मुंबई के फेमस वड़ा पाव उसी रेसिपी से बनाते हैं। टेस्ट सबका अलग अलग होता है। जब हम घर में बना रहे हैं तो इनका मसाला भी कम ज़्यादा लाइट मिर्ची ये सब कर सकते हैं। घर वाले वड़े पाव हैं, मम्मा की रसोई वाले वड़े पाव। तो अब इसमें हम मूंगफली के दाने को रोस्ट करेंगे। अकॉर्डिंग चटनी के अकॉर्डिंग कर ले मैंने, और इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्ट हो तो इन्हें फिर रोस्ट करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए। अब इसमें डाल दूंगी लहसुन। तो लहसुन डालेंगे हम 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल देंगे, और इन्हें भी हम रोस्ट कर लेंगे। तेल गर्म है, पैन गर्म है, तो अब समय नहीं लगेगा इसमें। तो बड़ा पाव में लहसुन का फ्लेवर आता है, तभी बढ़िया लगते हैं बड़े पाव। बाकी जो लोग लहसुन नहीं खाते वो लहसुन को स्किप कर दे। मैं गैस बंद कर दूंगी, पैन गर्म है, और इन्हें हम ठंडा होने देंगे। तो साथ में या तो आप साबुत इसमें काट के नारियल के पीस डाल दो। मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड नारियल, कोई सा भी डाल सकते हो। तो इसे ये भी हो जाएगा हमारा रोस्ट। 3 चम्मच मैंने डेसिकेटेड नारियल डाला है, मिक्स कर लेंगे। आप इसमें साबुत लाल मिर्ची डाल सकते हो, मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्ची, और इन सबको हम ठंडा करेंगे। तो लाल मिर्ची भी डाल देते हैं हम इसमें। 1 चम्मच फुल भर के इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, और अब इन सबको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन्हें हम पीस लेंगे। जो हमने ये भुजिया तैयार करे थे इन्हें भी हम डालेंगे। तो इन्हें भी हम इसी में डाल देते हैं, और इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ग्राइंड करें, गरम गरम नहीं करें। तो ये ठंडा हो गया, अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो 1/4 चम्मच करीबन नमक डाल देंगे, इसे हम पीस लेंगे। तो हमारा बड़ा पाव का मसाला तैयार हो गया, चटनी तैयार हो गई, मिर्ची फ्राई कर लेते हैं। मेरे पास ये वाली मिर्ची है, बाकी इसके साथ खाते हैं तीखी हरी मिर्ची। तेल गरम कर लिया, थोड़ा सा दूर रहे। इसका बिल्कुल न्यून पतली मिर्ची खाते हैं, तीखी वाली छोटी मिर्ची आती है। हाँ, इसका जितना तीखा हो उतना ही पसंद आता है। अब हम बनाते हैं बड़े पाव। तो इसके लिए मैंने 2 ये बना लिए हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 पिंच डाला है मैंने, और इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब बड़े तैयार कर लेते हैं। तेल गरम हो ही गया, बस कुछ नहीं करना, इस तरह से डाल देंगे चम्मच से। हम अभी 2 तैयार करेंगे, कुछ हम इसमें कुरकुरे तैयार कर लेते हैं, और अभी इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अब कई तो इन्हें कच्चे भी लगा लेते हैं, लेकिन हम इन्हें बटर में सेकेंगे। तो मैंने तवा गरम कर लिया है, बटर लगा देते हैं इस पर, और इन्हें हम सेक लेंगे। अब बाज़ार में तो कोई तो बटर लगाता है मेहुल, कोई नहीं लगाता, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो क्यों नहीं हम इस पर बटर लगाएं।
अच्छी तरह, जितना बटर चाहो आप उतना इसमें लगा सकते हो। तो हमारे मेहुल को कुछ बटर ज़्यादा ही पसंद है और इन्हें हम इधर सेक लेते हैं। बस अब इन्हें हमें सर्व ही करना है, बस पकौड़े बन रहे हैं। थोड़ा सा सेक लेते हैं, गरम गरम बढ़िया भी लगता है। तो वैसे तो फेमस बॉम्बे के ही बताते हैं कि बॉम्बे के बड़े पाव फेमस, लेकिन आजकल सब चीज़ सब जगह मिलती है। ये नहीं कि हमें बड़े पाव खाने तो बॉम्बे ही चलेंगे, नहीं। हाँ, लेकिन प्रोसेस इसका लंबा है। चार चीज़ बनती है, चटनी बनेगी इसकी, बॉम्बे में तो इसमें लहसुन की चटनी भी लगाते हैं। मेवा तो ये सीख गए, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अपन ने लहसुन तो डाला है पर हरी चटनी में डाल दिया तभी। हाँ, बाकी लहसुन की चटनी भी लगाओ तो मज़ा आ जाएगा। अब बाकी हम बाद में बना लेंगे, अभी पहले हम तदर। ये भी गर्म हो गए हैं, अब इसमें हम लगाएंगे एक साइड में हरी चटनी। थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं नीचे, चॉइस है ये अपनी। अब इसमें डाल देंगे हम हमारा बड़ा पाव। हरी मिर्ची लगा देते हैं इसमें। अब आप एक करो, बाजार में थोड़ा बड़ा लगता है, बाकी इस तरह से ये हमारा बड़ा पाव बन गया है। अब इसमें आप हरी चटनी जो भी आपको पसंद है वो आप रखिए इसमें। तो ये हमारे बड़े पाव बन के रेडी हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करोगे। बिल्कुल ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। इस तरह से वड़े पाव एकदम मस्त पता लग रहा है दिखने में ही, तो एकदम मस्त करारे करारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।